ना पे है, यहीं पे आसपास में ही है। ये जो रोड है ना, ये रोड बैग में मुंह घुसा लेना, अंदर डाल हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी सुबह के बज रहे 3 और मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज हम सबको कहीं जाना है 1 डे ट्रिप पे। तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं व्लॉग नहीं बनाया मैंने, तो चलो आज व्लॉग शूट कर लेती हूँ। वैसे ही टाइम नहीं मिलता मुझे आजकल, थोड़ी बिजी रहती हूँ। तो चलिए पहले तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो यह है मेरा ड्रेस और मैं हो चुकी हूँ रेडी। ये शूज़ में ये जूती मैंने निकाला है पहनने के लिए आज। सो फाइनली वो लोग आ गए और अब हम लोग जा रहे हैं, वो लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं। और इसको देखिए, ये फटाक से नीचे उतर के खड़ी हो गई कि ये मुझे अंदर भेजेगी या खुद लास्ट में बैठेगी। लेकिन इसको क्या मालूम, इसको ही बाहर अंदर बैठना पड़ेगा और मैं लास्ट में बैठूँगी। और हुआ भी वही बेचारी। तो बैठ चुके हैं हम लोग, यहाँ हैं जेम्स, राबी और ये है सनी। तो फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं ऐसे साथ में कहीं घूमने के लिए। अभी भी है हमारे जो आगे बैठे हुए हैं। चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से जब हम लोग यहाँ पे अभी फ़िलहाल रुकने वाले हैं चाय पीने के लिए। देख रहे हैं मिल जाए तो। वो बना था वीडियो, वो वाला उसके बाद तुम बनाते हो। तुम बना यार, इसमें कितना रिचार्ज है पता ही नहीं। ठीक है ना, उल्टी आ रही है, बुरी हाल है। पॉलिथीन दे लाया है वो भी गार्बेज बैग। हाँ गार्बेज बैग वाला बड़ा वाला, आराम से करते रहना नहीं चाहिए। इसका मतलब नहीं आ रहा है किसी को चाय वाय पीना है। हाँ चाय तो पीना है, घर से चाय चाय चिल्ला रहे 4 बजे से ही कि चाय बना पे है, यहीं पे आसपास में ही है। अभी हम लोग कहाँ पे है, दादी से पहले। अच्छा हाँ वही बिरदी बिदादी वही है ना। ओपन गेट ओपन करो ना, आलियांस हो गया है। हेलो इर्जा, इर्जा की फर्स्ट ट्रिप। हेलो इर्जी, अभी हम सब यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए। सुबह के बज रहे 6, चाय वाय पियेंगे उसके बाद फिर हम आगे का सफ़र यहाँ से शुरू करेंगे। एक यही था ना चाय वाला, इसके अलावा तो उधर मिला नहीं चाय वाला। फाइनली हमें चाय मिल गई और हमने पी ली। रोड है ना, ये रोड लेने के बाद ना कई किलोमीटर तक। अच्छा हुआ हमें ये एक चाय मिल गई। सो फाइनली बहुत खोजने के बाद हमें एक चाय की ये टपरी दिख गई थी, क्योंकि सुबह का टाइम था तो सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह सब बंद ही थे, तो हमें चाय कहीं पे नहीं मिलती। और यहाँ से सिर्फ हाईवे ही हाईवे है आगे तक, बहुत दूर तक तो चाय मिलने का सवाल ही नहीं उठता था। तो हमने फाइनली यहाँ पी ली। चलो अंदर तो हो गया, हम लोगों का चाय वाय पी लिया है हमने और अब हम निकलेंगे आगे की तरफ। यहाँ से होता है हमारा सफ़र शुरू है मेरा बुरा हाल। ना गार्बेज बैग रख लेना, गार्बेज बैग में मुंह घुसा लेना, अंदर डाल लेना और आराम से जितना करना होगा तुम्हें उतना वोमिटिंग करते रहना। पहले मुझे भी होती थी लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है। ओपन द डोर, बचपन याद आ रहा है ना बिल्कुल। क्योंकि हम
माशाल्लाह वहाँ पे भी छह सबसे छोटे पीछे बैठना पड़ता था और यहाँ पे सबसे छोटे नहीं है आप सबसे बड़े वहाँ पे पीछे क्या इधर यार इससे अच्छा मुझे यार इधर आने दे दे ताकि मतलब फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मैसूर और यहाँ पे ये देखिए हम आपको दिखाते हैं हमारे गांव में तो इसको टांगा बोला जाता है पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो हम लोग बचपन में इसी पे जाया करते थे अगर कहीं जाना होना होता था तो बहुत मज़ा आता था साइड में हमारे जुल्फी दिख रहे हैं कितनी उल्टी बस एक्टिंग कर रही थी कि उल्टी होगा लेकिन हुआ कुछ नहीं तो ये है मैसूर पैलेस हम लोग पहुंच चुके हैं मैसूर पैलेस ये पीछे का बैक साइड है ना आ जाओ उतरो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अब यहाँ पे अभी तो फिलहाल कुछ भी खुला हुआ नहीं है 8:30 हो रहे हैं 10 बजे खुलेगा पैलेस मैसूर पैलेस तब हम लोग जाएंगे फिलहाल हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा खा पी लेते हैं कुछ उसके बाद आराम से घूमेंगे फिर ये लड़की जहाँ उतरती है वहाँ पे लग जाती है रील बनाने के लिए तो अब हो रहा है हमारा यहाँ पे नाश्ता हो रहा है क्योंकि हम इस वक्त से फिर घूमना शुरू कर देंगे तो फिर हमें टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा खाने का तो इसलिए हमने सोचा कि पहले जब हम पहुँच गए और अभी सब कुछ बंद है हमें कहीं जाने का है नहीं अभी खुला हुआ कुछ भी क्योंकि हम 8:30-9 बजे तक पहुँच गए थे तो 1 घंटा था हमारे पास तो हमने सोचा नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद फिर आराम से घूमेंगे तो हमने गाड़ी में ही यहीं पर बैठ कर के नाश्ता कर लिया जो हम घर से लेकर के आए थे घर का खाना तो अलग ही मज़ा आता है हम लोग पहुंच चुके हैं मैसूर पैलेस और यहाँ पे इधर की ट्रॉली सेट हो रही है उसके बाद हम लोग चलेंगे अंदर घूमने के लिए देखेंगे कैसा है मैसूर पैलेस कहाँ ये इतना लंबा लाइन है ओ माय गॉड ये है मैसूर पैलेस के अंदर जाने के लिए इतना लंबा लाइन तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे अभी इर्ज़ा की ट्रॉली सिट हो रही थी तो हम लोग यहाँ पे बस वेट ही कर रहे हैं जैसे हो जाता है उसके बाद हम चलेंगे और सुबह का टाइम है लेकिन तब भी इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पूछो मत ये लाइन दिख रही है वो बहुत अंदर तक जा रही है ये लाइन तो बने रहिए व्लॉग में और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चलिए जब मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स करें अल्लाह हाफिज़